नमस्कार दोस्तों नीतीश कुमार जब से तेजस्वी यादव के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री तो कई बार बन चुके हैं तब से उनका विश्वास आत्मविश्वास जबरदस्त हो गया है वो एकदम एवरेस्ट पर चढ़ गए हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कुछ इस तरह का हो गया है कि उनके मन में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब जो इच्छा उनके मन में दबी छिपी हुई थी वो फिर से उभर कर सामने आ गई है मेरे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं जो हमेशा ये कहा करते हैं उन्होंने नीतीश कुमार के साथ काफ़ी समय तक काम किया है उनके टच में रहे हैं पटना में पत्रकारिता उन्होंने लंबे समय तक की है वो कहा करते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में सुअर का बाल है अब उनका ये कहने का क्या उद्देश्य है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पेट में सुअर का बाल है क्योंकि नीतीश कुमार जो है जो बाहर से नजर आते हैं वो अंदर से हैं नहीं उनके मन में कुछ और चलता रहता है एक घाघ पॉलिटिशियन है अभी देखिए आरसीपी सिंह के साथ उन्होंने क्या किया आरसीपी सिंह के लिए उनके मन में ये भाव पैदा हो गया कि ये बीजेपी के साथ मिल गया है तो उसको किस तरीके से इन्होंने किनारे कर दिया दूसरी ओर जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो ममता बनर्जी ने शोर मचा मचाकर तमाम विपक्षी दलों से ये कहा था कि भाई सब एक हो जाओ ये समय है एक होने का वरना 2024 में भी आप लोग नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाओगे लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया 2019 में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ थे लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सफलता मिली उन्हें चिंता ये थी कि एक साल बाद यानी कि 2020 में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है तो उनके मन में ये आशंका थी कि किसी भी तरीके से मैं बिहार में फिर से एक बार सी बन जाऊँ उसके बाद देखा जाएगा उनके मन में जो आशंकाएँ थी वो सही साबित हुई बिहार में वो सीएम तो जरूर बने लेकिन सेकेंडरी दर्जे के क्योंकि जेडीयू की सीटें कमाई चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए और चिराग पासवान ने जेडीयू के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतार कर जे की सीटें घटा दी और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई अब नीतीश कुमार के मन में ये भी बात घर कर गई कि बीजेपी इतने कम मेरी सीटें होने के बावजूद भी मुझे सीएम क्यों बना रही है वो ये भूल गए कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले ही वादा कर दिया था कि हम आपको ही सीएम बनाएंगे तो फिर सीएम आपको बनाना ही था तो आपके मन में आशंकाएं क्यों थी नरेंद्र मोदी ने तो अपना वादा पूरा किया लेकिन नीतीश कुमार ने कभी किसी के साथ अपना कोई वादा पूरा नहीं किया और उसके बाद उनके मन में जो असुरक्षा की भावना है वो लगातार बढ़ती चली गई और उन्होंने एक के बाद एक एक के बाद ये बदलाव करने शुरू कर दिए अभी ये जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ ये ईद पर हुआ था ये लालू प्रसाद यादव के घर पर गए थे बधाई देने के लिए अब चाचा हैं तेजस्वी यादव की तो तेजस्वी यादव ने वहाँ पर कहा कि चाचा क्या चक्कर में पड़ रहे हो आप हमारे साथ अच्छे भले आ गए थे आप क्यों बीजेपी के पास चले गए बीजेपी समुंदर है खा जाएगी वेल मछली है आप जैसी मछली को निगल जाएगी हम आपके साथ हैं आपको पीएम बनवाएंगे आप हमें लेकर चलिए साथ में और 2025 का विधानसभा चुनाव तो दूर है उससे पहले दोनों मिलकर 2024 दो का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और इतनी सीटें लेकर आएंगे कि नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का सबसे बड़ा फेस बनकर हम ही उभरेंगे इतिहास ये सब बातें उनके मन में उन्होंने बैठा दी और इसके बाद नीतीश कुमार ने कैंपेन शुरू कर दिया तेजस्वी यादव को अपने साथ लाने का असदुद्दीन ओवैसी के जो चार पाँच विधायक थे वो सारे के सारे खरीद लिए गए और उन्हें आरजेडी में शामिल करा दिया गया लालू प्रसाद यादव की पार्टी बीजेपी से भी बड़ी पार्टी बन गई और नीतीश कुमार को लगा कि ये सही समय है नीतीश कुमार को नीतीश कुमार को ये भी लग रहा है कि बीजेपी के अंदर से तो सीएम बनने के लिए बहुत सारे चेहरे निकल आएंगे रविशंकर प्रसाद राजीव प्रताप रूड़ी आ जाएंगे सुशील मोदी भी आ सकते हैं गिरिराज सिंह आ सकते हैं नित्यानंद राय का नाम चलता ही रहता है लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव का सीएम बनने के अलावा और कोई फेस आपके सामने आएगा नहीं तो इसलिए उन्होंने तेजस्वी यादव को साथ लेकर सरकार बनाने में अपनी भलाई समझी और अपनी सरकार बना ली और तेजस्वी को जैसे पहले डिप्टी सीएम बनाया था वैसे ही डिप्टी सीएम बना दिया हालांकि शुरू में ही इस सरकार ने कई हिचकोले खाए हैं कानून मंत्री जो बनाए गए थे कार्तिकेय सिंह कानून मंत्री बनाए गए कार्तिकेय सिंह पर आरोप लग गए कि वो खुद अपहरण के मामले में संलिप्त हैं आप उन्हें कैसे कानून मंत्री बना सकते हो खैर उनसे इस्तीफा हुआ उनसे डिपार्टमेंट भी लिया गया ये बातें शांत हो चुकी हैं ताज़ा बात पर आते हैं अभी फिलहाल चर्चाएं ये चली कि पीएम फेस कौन होगा विपक्ष का नरेंद्र मोदी के सामने और ये चर्चा एक बार फिर से इसलिए पैदा हुई कि चूंकि नई नई सरकार बनी है बिहार में एक नए गठबंधन की सरकार बनी है तो के तेलंगाना से एक प्राइवेट प्लेन लेकर यहां पहुंचे और उन्होंने नीतीश कुमार से संपर्क किया और उनसे नीतीश कुमार के साथ उन्होंने बातचीत की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी दोनों ने मिलकर और उसमें केसीआर ने कुछ बातों के जवाब दिए कुछ बातों के जवाब नहीं दिए वो बिहार के कुछ लोगों को बिहार के जो जवान शहीद हुए थे गलवान घाटी में उनको चेक बांटने आए थे दस दस लाख रुपए के उनकी महत्वाकांक्षाएँ अलग से हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि के हर राज्य में जा रहे हैं पंजाब में जो किसान शहीद हुए थे मारे गए थे किसान उनके परिवारों को ये चेक देकर आए थे तो के की अलग महत्वाकांक्षा है वो आगे बताऊंगा आपको वो खुद सीएम बनना चाहते हैं लेकिन जब बिहार में वो आए तो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा कि ठीक है साहब आप लोग विपक्षी एकता की बात करते हैं लेकिन आप ये बताइए कि पी एम फेस क्यों होगा और पीएम फेस कौन होगा ये बताइए इस बात पर के ने कहा कि बाद में तय कर लेंगे और वास्तव में अभी तय करने की औकात किसी की है भी नहीं क्योंकि अभी विपक्ष की एकता बनी ही नहीं है तो फिर कैसे किसी का नाम लिया जा सकता है खैर उसके बाद के ने चले गए यहाँ से अलविदा करके वो तेजस्वी यादव से भी मिलकर गए लेकिन उसके बाद एक घटनाक्रम हुआ मणिपुर का मणिपुर में बीजेपी ने पांच विधायक तोड़ लिए जेडीयू के छः में से पांच तोड़ लिए और इस घटनाक्रम के अगले दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिन की बैठक जे की शुरू हुई और जे की ये जो बैठक शुरू हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इसके जरा जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं सारे बिहार में लगे हुए हैं पटना में उसका नजारा जरा आप देखिए किस तरह का है यहाँ पर चारों ओर ये माहौल बनाया जा रहा है कि केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी के सामने कोई बड़ा फेस हो सकता है तो वो केवल नीतीश कुमार हो सकते हैं और नीतीश कुमार इस कार्यकारिणी की बैठक में जब भाग लेने के लिए आए तो नारे लगे कि देश का पी कैसा हो नीतीश कुमार जैसा हो हो सकता है आज इसका समापन हो रहा है रविवार को हो सकता है कि इसमें नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया जाए एक प्रस्ताव पारित करके कि साहब अगला जो चुनाव होगा 2024 का उसके लिए जेडीयू की तरफ से डिसीजन लेने के लिए हम आपको अधिकृत करते हैं और उसके बाद सारा चीज़ उसी तरह से चलती चली गई ये जो देख रहे हैं ना आप जुमला नहीं हकीकत ये सारे बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स लगवाए गए हैं जे के कार्यालय पर पटना में और वहाँ पर केवल नीतीश कुमार का चेहरा है ये देखिए प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा साफ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही नरेंद्र मोदी के सामने टिक सकते हैं और इस बात को लेकर हालांकि जब इस कल यानी कि शनिवार को जब मीडिया ने नीतीश कुमार से इस बारे में पूछा कि साहब आप बताइए कि पीएम फेस आप बनेंगे क्या उन्होंने कहा कि नहीं इस बारे में हम विपक्ष के नेताओं से बात करेंगे और पाँच सितंबर को वो दिल्ली जा रहे हैं वहाँ पर सभी नेताओं से उनसे बातचीत की जाएगी क्योंकि कांग्रेस भी अब महागठबंधन का हिस्सा है उनसे भी हम मिलेंगे अरविंद केजरीवाल से भी शायद ये मिलने वाले हैं वाम दल तो बिहार में जो गठबंधन बनाए है उसका हिस्सा है ही इसके अलावा महिलाओं को जोड़ने के लिए जे अभियान चलाएगी अगले साल तीन जनवरी से आठ मार्च तक एक बड़ी यात्रा निकाली जाएगी इसके अलावा पचास लाख नए मेंबर बनाने का प्लान जे बना रही है जे को लग रहा है कि अब लोकसभा चुनाव के लिए अपना वजूद बचाना जरूरी है क्योंकि पिछली बार तो नरेंद्र मोदी का चेहरा था इसलिए फिफ्टी फिफ्टी सीटें मिल गई थी लेकिन इस बार तो साथ में तेजस्वी यादव होंगे और बीजेपी अलग होकर लड़ेगी मुश्किलें तो सामने आने ही वाली हैं दूसरी ओर जेडीयू का जो थिंक टैंक है उनका ये मानना है कि नीतीश कुमार को राहुल गांधी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं वरिष्ठ नेता हैं शायद राहुल गांधी से मुलाकात की लेकिन हालांकि हाला अभी राहुल गांधी विदेश में हैं और पता नहीं वो कल तक लौट भी पाएंगे या नहीं ये बहुत बड़ा सवाल है लेकिन नीतीश कुमार की ये इच्छा है कि वो राहुल गांधी से मिलकर एक बार उनका मन टटोल लें कि आपका अगर प्रधानमंत्री बनने का जो अरमान है वो ठंडा हो गया है तो मैं अपना अरमान जगा लूँ क्योंकि राहुल गांधी तो पंद्रह साल से प्रधानमंत्री पद के पी इन वेटिंग हैं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं तो नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि मैं बन जाऊं तो ये सब महत्वाकांक्षाएं उनके मन में जन्म ले रही हैं लेकिन इन सब के बीच मैं आपको फिर बता दूं कि केसीआर के एक बहुत बड़ी अड़चन है केसीआर सी राज्यों का दौरा कर चुके हैं केजरीवाल से मिल चुके हैं उद्धव ठाकरे से मिले थे उससे पहले और जित जितने भी विपक्ष के जहाँ जहाँ पर विपक्ष की सरकार है स्टालिन से मिले थे ममता बनर्जी से भी मिले थे तो वो अलग से ही अपनी उम्मीद जगा रहे हैं वो उनकी उम्मीद यह है कि 2024 में वहाँ पर लोकसभा का चुनाव होना है पूरे देश में लेकिन 2023 में उन्हें विधानसभा का चुनाव भी देखना है वो चाहते हैं कि उससे पहले अगर सारा विपक्ष एक हो जाए तो वो फिर से 2023 का चुनाव अपना तेलंगाना का जीत सकते हैं और हो सकता है कि अपने बेटे को के को वो सी बनवाना चाहते हों तो उनकी महत्वाकांक्षा अलग हैं अब नीतीश कुमार भी उनकी तरह देशाटन पर निकलेंगे और सबको एक करने की कोशिश करेंगे लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा बयान टीएमसी का आ गया है टीएमसी की तरफ से साफ तौर पर ये बयान आ गया है कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने जा रहे हैं और ये आज अखबारों में कुछ अखबारों में ये खबर हाईलाइट होकर छपी है देखिए उनके राज्यसभा के सांसद हैं और प्रवक्ता भी हैं टीएमसी के सुखेंदु शेखर राय उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये कहा है कि के, के बीजेपी मुक्त भारत का बात कर रहे हैं इस तरह का नारा दे रहे हैं लेकिन हमारे टीएमसी के साथ उन्होंने इसे लेकर कोई संपर्क नहीं साधा है और वो हमारे टच में अभी तक नहीं आए हैं और ना ही कोई प्रपोजल बना है कि हम प्री पोल अलायंस बनाएं चुनाव पूर्व गठबंधन का कोई अभियान नहीं चला है ममता बनर्जी तो दो से कह रही हैं कि सब एक हो जाएँ लेकिन कोई भी एक होने को तैयार नहीं है सब अपने अपने मन की कर रहे हैं कोई मोर्चा बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है ममता बनर्जी ने तो प्रशांत किशोर के माध्यम से जबरदस्त कोशिश की लेकिन कोई मोर्चा बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में अब ममता बनर्जी ने यह तय कर लिया है कि हम तो साहब पश्चिम बंगाल की सोचेंगे और यहाँ पर जैसे चुनाव पहले अकेले लड़े थे अब भी अकेले लड़ेंगे अब चूंकि अगर प्री पोल अलायंस बनाते हैं सारा विपक्ष एक होता है तो फिर हो सकता है कि कुछ सीटें कांग्रेस के लिए छोड़नी पड़े कुछ सीटें वाम मोर्चे के लिए छोड़नी पड़े जो इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी रहे हैं वहाँ पर तो ममता बनर्जी को लगा कि यार छोड़ो अपने जो 20-22 अपने सांसद हैं पहले वो बचाए जाएँ क्योंकि बीजेपी तो पहले ही वहाँ पर 18 सांसद पश्चिम बंगाल में अपने बनवा चुकी है तो उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों इस इस झंझट से पक जाए पहले अपना वेस्ट बंगाल सेफ किया जाए तो वो अलग हो रही हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि हम प्री पोल अलायंस में नहीं जाने वाले हैं दूसरे उनके मन में भी ये इच्छा थी ममता बनर्जी के कि यार जब पीएम बनना ही है तो पीएम फेस मैं क्यों ना बनूं मेरे सबसे ज़्यादा सांसद हैं मेरी बड़ी ताकत है हालांकि उनसे बड़े उन, उनसे बड़ी बड़ी दो तीन पार्टियां और भी हैं लेकिन फिर भी ममता बनर्जी के मन में तो ये रहता है कि मैं नरेंद्र मोदी का मुकाबला सबसे डट कर रही हूं तो विपक्ष मेरे नाम पर एग्री क्यों नहीं होता है ये सारी बातें उनके मन में चलती रहती हैं खैर कोई बात नहीं ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया है कि वो इनके साथ नहीं जाने वाली हैं इस इन सब के बीच एक बड़ा दिलचस्प नाम है अरविंद केजरीवाल का अरविंद केजरीवाल जितने भी ये विपक्ष के नेता हैं मेरा मानना है इनमें सबसे बड़े नेता हैं आज की तारीख में इनकी दो राज्यों में सरकार है दिल्ली में सरकार बनाई और पंजाब में इन्होंने स्पष्ट बहुमत की सुपर मैंडेट के साथ इन्होंने वहाँ पर अपनी सरकार बनाई ये विपक्ष के इस मुद्दे पर हमेशा चुप रहते हैं पीएम फेस कौन होगा विपक्षी एकता आप विपक्ष के साथ हैं भी या नहीं इस पूरे मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल हमेशा चुप रहते हैं किसी से संपर्क करने नहीं जाते के इनसे मिलने आ रहे हैं ममता बनर्जी इनसे मिलने खुद दिल्ली आई थी इसके अलावा अब नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं तो वो भी इनसे मिलेंगे ये किसी के पास मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं ये जान रहे हैं कि अभी लोकसभा चुनाव में उनकी स्थिति वो से है ही नहीं लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है केजरीवाल का लेकिन दो राज्यों में सरकारें होने के कारण इस बार इन्हें पंजाब में अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है और इन्हें लग रहा है कि शायद बीजेपी की भी सात जो दिल्ली की सात सीटें हैं बीजेपी के पास हैं सात की सात सीटें उनमें से भी एक आध सीट शायद हम इस बार निकाल लें तो इनका मानना है कि अगर आठ दस हमारे सांसद बनते हैं तो तो कुछ बात बन सकती है वरना अरविंद केजरीवाल के तो मन में खुद ये बात होगी कि मैं दो राज्यों में सरकार चला रहा हूं तो पी फेस मैं बनूंगा या ये बनेंगे नीतीश कुमार उनके मन में ये ख्याल है तो ऐसी स्थिति में जैसे ही नीतीश कुमार के मन में ये बुलबुला उठा कि मुझे पीएम बनना चाहिए या मैं पीएम फेस हो सकता हूं तो सारे विपक्षी दल किनारा कर गए केसीआर भी चुप हैं केसीआर से भी कल मीडिया वालों ने कुछ जगह पूछने की कोशिश की नीतीश कुमार के बारे में तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली उन्होंने कहा कि ये आने वाला समय बताएगा कि कौन पी फेस होगा और के का ये मानना है कि अगर नीतीश कुमार को पी फेस बनाएंगे तो उसका उन्हें कोई फायदा होने वाला है नहीं तेलंगाना में वो अगर खुद पीएम फेस बनते हैं विपक्ष उनके नाम पर एग्री होता है तो हो सकता है कि 2024 से पहले 2023 का जो विधानसभा चुनाव है तेलंगाना का वहां पर उन्हें इसका लाभ मिल जाए तो कुल मिलाकर अब बात वही आ रही है कि नीतीश कुमार साहब के जैसे ही अरमान जगह पीएम बनने के सारे के सारे जितने हैं वो सब लोग भाग लिए टीएमसी ने तो साफ कह दिया हम किसी गठबंधन में नहीं जाने जा रहे हैं चुनाव से पहले राहुल गांधी अपनी ही धुन में मगन है राहुल गांधी जानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी उनकी है बीजेपी के सामने और उनके बिना कोई अलायंस कोई गठबंधन नहीं बन सकता कोई मोर्चा नहीं बन सकता और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस को किसी भी धड़े को साथ लेना बहुत जरूरी है क्योंकि 200 सीटें ऐसी हैं जहां सीधी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइट होगी तो आप कांग्रेस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं तो फिलहाल यही लुबाब है कि नीतीश कुमार के मर में जो अरमान जगे हैं वो फिलहाल ठंडे होते नज़र आ रहे हैं वो भले ही दिल्ली में जाकर नेताओं से मिलने की कोशिश कर लें लेकिन उनके नाम पर मुझे लगता है कि ना तो ममता बनर्जी सहमत होंगी ना के सहमत होंगे ना केजरीवाल सहमत होंगे और ना ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी सहमत होंगे तो फिर नीतीश कुमार बस केवल तेजस्वी के कहने पर ही पीएम बनने निकले हैं देखते हैं क्या होता है बहुत कुछ होने जा रहा है 2024 के चुनाव को लेकर इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपके आपको मेरे लाइव आने का पता नहीं लगेगा बात होती रहेगी चर्चा होती रहेगी संडे स्पेशल के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें